यह है फ्रैंकलिन आया खेले खेलेगा ये हर दिन आया है दोस्तों के साथ सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात ये है फ्रैंकलिन आया आपके घर ये है फ्रैंकलिन आया मेरे घर हे ये है फ्रैंकलिन माय फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था उसके पास मॉम डैड और कई और कजिन्स भी थे पर एक दिन फ्रैंकलिन को लगा उसकी एक छोटी सी बहन भी है हाय फ्रैंकलिन हाय बेयर मैदान में खेलने चलने के लिए तैयार हो पर मुझे तो इसका ध्यान ओ मैं अभी आया वो बेयर इतने सारे खिलौने क्यों बिखेर रखे हैं वो बियट्रिस को कोई खिलौना पसंद ही नहीं आ रहा पर लगता है ये पसंद आएगा क्या तुम्हें लगता है तुम आज रिंग्स पर कलाबाजी कर पाओगे बेयर हाँ मैंने पूरे हफ्ते तैयारी की है बस डैड की सफाई पूरी होते ही मुझे बेबी सिटिंग से छुट्टी मिल जाएगी हे अब मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही आ, लो फिर शुरू हो गया वैक्यूम क्लीनर और फिर शुरू हो गई भी सॉरी फ्रैंकलिन मुझे तो थोड़ी देर लगेगी कोई बात नहीं मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ देखते हैं इसे कौन सा पसंद आएगा हाँ ये अच्छा है देखो मुझे क्या मिला ये बनी रैबिट है और मुझे लगता है ये डांस करना चाहता है डी 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 डू डी 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 डू डी 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 डू हे फ्रैंकलिन आखिर मुझे इसे खुश करने के लिए कुछ तो मिला शाबाश बेयर अच्छा बी तुम और बनी डांस करो मुझे एक्सरसाइज करनी है रिंग्स पर कलाबाजी करने के लिए सॉलिड मसल चाहिए तो मुझे पुशअप करने पड़ते हैं ओह, क्या है भाई तुम्हारा मतलब क्या है बहन बेयर मैं हर वक्त बी के साथ खेलता रहा तो एक्रोबैट बनने की प्रैक्टिस कब करूँगा तुम पुशअप्स करते रहो बेयर मैं उसे हंसाने की कोशिश करता हूँ मैंने बी को इतना खुश बहुत दिनों बाद देखा आपकी सफाई हो गई डैड हाँ खत्म हो गई याहू! चलो फ्रैंकलिन खेलने चले फू मुझे लगता है कि इसे भूख लगी है ऐसा नहीं हो सकता अभी अभी इसने पेट भर खाया है समझा फू का मतलब फू तुम हो तुम इसे पसंद हो फ्रैंकलिन और फू को भी तुम पसंद हो बीट्रिस ओके बी फू को जाना है बाय बाय बी मैं फिर आऊंगा मजे करना हाँ डैड जरूर करेंगे अब डैडी बीट्रिस को कहानी सुनाएंगे चलो ना फ्रैंकलिन
मुझे बुला रही है, मैं कैसे जा सकता हूँ? उसे चुप कराने में बस एक मिनट लगेगा बे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो एक मिनट बहुत लंबा होगा? बहुत अच्छा किया बच्चों जो मेरे और बीट्रिस के साथ दुकान तक आए। मैंने सोचा उससे बीट्रिस खुश हो जाएगी, और वैसे भी मैं और बेर इसी तरफ जा रहे थे। बस 10 गुना ज्यादा वक्त लग रहा है पहुँचने में। अच्छा फ्रैंकलिन, डैड और बी उस तरफ जाएंगे और हम इस तरफ। बाय बाय बी, आराम से शॉपिंग करो, मैं बाद में मिलता हूँ। बीट्रिस, फ्रैंकलिन और बेर को बाय बाय करो। चलो फ्रैंकलिन, इससे पहले कि वो दोबारा जिद तुम्हें बुला रही है। रो मत बी। कितनी प्यारी। चलो भी फ्रैंकलिन, अगर तुम बार बार बी के बुलाने पर उसके पास जाते रहोगे तो डैड कभी अपनी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। फिक्र मत करो फ्रैंकलिन, तुम खेलने जाओ, ये थोड़ी देर में बहल जाएगी। तुम आ रहे हो ना फ्रैंकलिन? नहीं, तुम जाकर मैदान में पहुंचो बेर, मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगा। थोड़ा सा सामान खरीदने में कितनी देर लगेगी, है ना बी? लगता है तुम्हारे भैया को अभी और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। टाटा करो बेर को, टाटा करो। उप्स, ये तो सो गई। मुझे पता था ये थककर सोने वाली है, पर तरह तरह की शक्लें बनाकर मेरा मुंह जरूर थक गया है। थैंक्स फ्रैंकलिन, ये अच्छा मौका है, जल्दी से लाइब्रेरी से कुछ ले आता हूँ। और मेरे लिए भी खेलने जाने का अच्छा मौका है। देखना, आज जरूर होगा मुझसे। शाबाश बेर। बहुत खूब बेटे। ओ, तुम लाइब्रेरी में से तो नहीं रोगी ना बेटी? क्यों नहीं ना? नहीं रोएगी, मैं इसे संभालता हूँ, आप जाकर आइए। ये तो तुम्हारी अच्छाई है फ्रैंकलिन, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे मेरी दादी हमेशा कहती है, मैं इतने प्यारे बच्चे को ना कैसे कह सकती हूँ। नन्ही गली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना, प्यारी बीट्रिस को प्यार से सुला देना। नन्ही गली सोने चली। क्यों, अब तुम्हारी नींद बिल्कुल उड़ चुकी है ना बीट्रिस? मगर तुम्हारी छोटी बहन को फ्रैंकलिन क्यों संभाल रहा है? हाँ, कोई जबरदस्ती थोड़े ही है, वो खुद चाहता है। पर उसके भाई तो तुम हो ना? हाँ हूँ तो, पर वो मेरे पास नहीं रहना चाहती, वो फ्रैंकलिन को चाहती है, और इससे मुझे भी प्रैक्टिस करने का वक्त मिल गया। वाओ, क्या तुमने देखा? हाँ, तुमने कर दिखाया। शाबाश बेर। हे फ्रैंकलिन, बी, मैंने कर लिया। एक बार फिर करूँगा, देखो। देख रहा हूँ। बी, इधर देखो, देखो अपने भैया को। बी, इधर, अब मैं बैक फ्लिप करूँगा। बी, उधर देखो बी, बेर को देखो। तुम करो ना बेर, बी देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है, उसने कभी मुझे ऐसा करतब करते हुए नहीं देखा है। बी, वो इधर देखती क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रैंकलिन यहाँ नहीं है। हाँ, उसे एक नया बड़ा भाई मिल गया है। हम, उसका सिर्फ एक भाई है और वो मैं हूँ।
तुमने अपना बैक फ्लिप क्यों नहीं किया बेर? क्योंकि मैं चाहता हूँ बी मुझे करते हुए देखे। और बर को भूल गए, रिंग्स पर बैक फ्लिप करने वाला भैया मैं हूँ। मैं आ गया बी। ये मेरी छोटी बहन है फ्रैंकलिन, इसे मेरे साथ खुश रहना चाहिए। वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है बेर। देखो वो तुम्हें प्यार से झप्पी भी दे रही है। हाँ अब ठीक है, तुम्हारा भैया बेर। मुझे लगता है वो चाहती है तुम थोड़ा उस पर भी ध्यान दो बेर। हाँ तुम ठीक कहते हो फ्रैंकलिन, सॉरी बी, मैं एक्रोबैट बनने की धुन में लगा था इसीलिए भूल गया कि बड़ा भाई बनना भी उतना ही जरूरी है। चलो बी हम प्लेग्राउंड में खेलेंगे। ये तो सरप्राइज है, मैंने सोचा बीट्रिस तुम्हारे पास होगी। नहीं वो अपने बड़े भैया ब्रिर के पास ज्यादा खुश है। फ्रैंकलिन्स मॉम। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसे बहुत पसंद था बाहर घूमना और कैंपिंग के लिए जाना, मगर एक कैंपिंग ट्रिप तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी। टेंट चेक, टॉर्च चेक, मार्शमेलोस चेक, डबल चेक। तुमने कैंपिंग ट्रिप के लिए बस यही रखे हैं बेर? और मेरी टूथब्रश, और चीजों के लिए जगह ही नहीं बची। ओ बेर, लाओ मैंने इसमें डाल देता हूँ ताकि तुम्हारे पास स्लीपिंग बैग के लिए तो जगह हो जाए। थैंक्स फ्रैंकलिन। हाँ मैं क्या कह रही थी, ये रहा एक फ्राइंग पैन। चेक। क्या हुआ? डैड। ओह नो। बहुत दर्द है। चलिए यहाँ आइए, यहाँ आकर बैठिए। ओह डैड आप ठीक हो जाएंगे ना? मैं तो ठीक हो जाऊंगा पर मेरे अंगूठे का पता नहीं। ओहो आपको इस पैर को कुछ देर तक आराम देना होगा। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मगर मुझे कितने दिनों से इस कैंपिंग ट्रिप का इंतजार था। हाँ मुझे भी। मुझे भी तो। पर तुम तो जा सकते हो, तुम क्यों नहीं जाओगे? मगर हम आपके बिना कभी कैंपिंग के लिए नहीं गए हैं डैड। सारे मुश्किल काम कौन करेगा, हमारे भारी बैग कौन उठाएगा डैड? मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम इतनी आसानी से हार मान गए। जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ इसका क्या मतलब है? मतलब अगर काम करने की बहुत इच्छा हो तो तुम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालोगे। हाँ कैंपिंग के लिए जाने की मेरी बहुत इच्छा है। मेरी भी। तो हम कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ये वैगन इस्तेमाल करने का आइडिया बढ़िया था मॉम। बस याद रखो जहाँ चाह वहाँ राह। और हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ कितना मजा आ रहा है, काश डैड भी हमारे साथ चले आते। हाँ हम उन्हें भी ठेले पर बिठा कर ले चलते। हाँ उन्हें सचमुच बहुत मजा आता, पर उन्हें आराम की जरूरत है। हाँ आराम से पैर पर बर्फ की थैली रखकर क्रॉसवर्ड पजल हल करेंगे। ओह नो वो पुराना पुल तो टूट गया। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें वापस घर जाना पड़ेगा, है ना मॉम? याद है ना फ्रैंकलिन, जहाँ चाह वहाँ राह। और हम ये नदी पार करेंगे रस्सी की मदद से। रस्सी से? रस्सी से कैसे पार करेंगे? मजा आया ना इस तरह नदी पार करके? बहुत सच मजा आ गया। और मजा आएगा वापस घर जाते वक्त भी, हम रस्सी से लटक कर जाएंगे ना मॉम? वापस जाने की इतनी क्या जल्दी है? लो पहले किसी को उस तरफ जाकर वैगन के हैंडल से ये रस्सी बांध। मैं जाऊंगा। हम दोनों जाएंगे। बस आधा रास्ता बाकी है। अरे फ्रैंकलिन
मुझे नहीं पता था तुम्हारी मॉम के पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। मुझे भी नहीं, मुझे बस पता था कि ये बहुत अच्छी मॉम है, पर हर काम में अच्छी है ये नहीं पता था। एक झटका दिया तो पहिए उस पत्थर के ऊपर आ जाएंगे। कस के पकड़ो बच्चों। चलो बेर। एक, दो, तीन, खींचो। हमारा बैग। ओह नो। वो तो दूर बह रहा है। अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे फ्रैंकलिन? मुझे क्या पता, मॉम से पूछो। मैं कुछ सोचती हूँ। मैं सोच रही हूँ। वाओ! ओहो, तुम दोनों ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं तो बिल्कुल नरम नरम बेर पर गिरा। ओह नो, हमारा बैग! अब तो कैंपिंग ट्रिप की छुट्टी हो गई बेर। तुम दोनों कुछ भूल तो नहीं रहे ना? जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल सही। क्या अभी कोई रास्ता है जबकि कैंपिंग की जरूरत की सारी चीजें पानी में बह गई हैं? हाँ, तब भी। चलो बच्चों, हम अपने लिए एक छत बनाएं। चलो। इसे बनाने में बड़ा मजा आया। हाँ, मगर इतना काम करके तो मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। हमें कुछ खा लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है, पर एक मुश्किल है। वो खाना तो बैग में था, याद है? क्या खाना नहीं है? हाँ, तब तो हमें घर जाना ही पड़ेगा। घर क्यों? देखो मैं कितना खाना बटोर के लाई हूँ। मेरे पास शैतूत है, गाजर है, आड़ू है और अखरोट भी है। सब कुछ जंगल में मिल गया। मेरा ख्याल है इन्हें पकाकर खाएं तो स्वाद ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ओह नो। क्या हुआ? माचिस, वो भी तो उसी बैग में थी। हम उसके बिना कैसे जलाएंगे? जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत पहले जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, तब फ्लिंट नाम का पत्थर आग जलाने के काम आता था। अच्छा? देखो, आग लग गई। ये! बहुत अच्छा है। पेट भर गया। मैं और बेर घूमने जा सकते हैं मॉम? घूमने? हाँ हाँ जाओ, पर अपना ध्यान रखना। जरूर रखेंगे मॉम। देखते हैं, शायद कुछ बेरीज मिल जाए। पर तुम्हारा पेट तो भर गया था ना? मीठा कहाँ खाया, वो जगह तो खाली है। यहाँ हमारा एक सीक्रेट किला होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, बेर देखो, वो हमारा बैग है। पर हम उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे? जहाँ चाह वहाँ राह बेर। तुम्हारा मतलब जहाँ मॉम वहाँ राह है ना? मेरे पीछे आओ बेर। संभल के बेर। बच गए आज तो। जरा पैडल करके नजदीक चलो। पकड़ लिया। शाबाश बेर। थैंक्स फ्रैंकलिन।
ओ क्या हम पानी के साथ बह रहे हैं? हाँ, पकड़े रहो, हम झरने की तरफ बढ़ रहे हैं। बैग को पीठ पर पहन लो बेर, जल्दी। ये तो बहुत भारी है, इसे पीठ पर क्यों पहन लूं? वो ऊपर टहनी देख रहे हो, उसे पकड़ने को तैयार रहना। ये हमने पकड़ ली। तुमने सही मौके पर दिमाग चलाया फ्रैंकलिन। जहाँ चाह वहाँ राह। अच्छा है तुम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि तुम ये बैग बचा कर ले आए। मुझे भी। वैसे भी हम तो उसी छत के नीचे सो रहे हैं जो हमने बनाई थी, बेकार ही हम इसे बचा कर लाए हैं ना? इनके लिए फ्रैंकलिन। अरे हाँ, क्या किसी के पास एक और मार्शमेलो स्टिक है? डैड, आपने अंधेरे में हमें कैसे ढूंढ लिया? मुझे तो बस मार्शमेलो की खुशबू खींच लाई। जरा बताइए तो कि आप जख्मी पैर से चलकर कैसे आए? जहाँ चाह वहाँ राह, है ना डैड? बिल्कुल सही, और तकिए और बर्फ की थैली हो तो राह कम दर्द भरी और आसान हो जाती है। Ha 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 ha